नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कपिल आसन की। कपिल आसन कपिल मुनि को समर्पित ये आसन है। कपिल आसन अगर आप ध्यान से देखेंगे, कपिल आसन की जो स्थिति है वो योग निद्रा आसन से मिलती जुलती है। तो योग निद्रा आसन मुश्किल आसन में आता है। जिनको योग निद्रा आसन की प्रैक्टिस करनी है वो सबसे पहले कपिल आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कपिल आसन के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, कपिल आसन में हमारी जो स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें पश्चिमोत्थान आसन या इससे मिलते जुलते आसन, जिसमें कि शरीर का झुकाव आगे की तरफ है, उनको करना है। ग्रोइन रीजन की स्ट्रेचिंग, जो कि ग्रोइन रीजन को फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हैं, देते हैं, ऐसे आसन की हमें अभ्यास करना है। जब हम इस आसन से हम शरीर को इस लायक बना सकते हैं कि जब हम कपिलासन में जा सकते हैं, तभी हमको कपिलासन की शुरुआत करना है, क्योंकि कपिलासन मुश्किल आसन में आता है। इस आसन में अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, यानी हमारे शरीर का एक हिस्सा, मान लीजिए कि हमारा जो राइट लेग है वो शरीर के पीछे, नेक के पीछे जा रहा होता है, तो हमारा जो चेस्ट है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा डायफ्राम है उस पर काफ़ी दबाव पड़ता है। डायफ्राम की मसल्स इंप्रूव करती हैं। जिनको कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को गर्दन में दर्द रहता है, इसको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसको ये आसन नहीं करना है जब तक कि उसकी गर्दन का दर्द ठीक ना हो जाए, या वो गर्दन की दर्द को ठीक करने वाले जो व्यायाम हैं उनको कर ले, उनसे गर्दन की मजबूती ले आए, उसके बाद ही इस आसन को करना है। इस आसन का सबसे बड़ा फ़ायदा है स्ट्रेचिंग, काफ़ी हमारी हैमस्ट्रिंग पे बढ़ जाती है, जिससे हमारी थाइस ज़्यादा खुलने लगती हैं, हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करती है। इस रीजन का ब्लड सप्लाई, जैसे ही हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इस आसन में, तो यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है स्पाइन का, वो इम्प्रूव कर जाता है। तो लंग की प्लग स्पाइन की ब्लड सप्लाई इंप्रूव करने की वजह से जो स्पाइनल नर्वस सिस्टम है वो भी इंप्रूव करता है। जिनको कि शाटिका का पेन या और किसी भी तरह की स्पाइन की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है, उसमें उनको आराम मिलता जाता है। तो अब हम देखेंगे कि कपिल आसन में जाने का क्या तरीका है, कैसे इसको करना है, क्या क्या सावधानी करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कपिल आसन। कपिल आसन के लिए सबसे पहले सिद्धासन से जाना है दंडासन। एक लंबी गहरी सांस लेना है। अब दंडासन से हमें सीधे लेटना है। वापस एक लंबी गहरी सांस, शरीर को रिलैक्स होने देना है। अब राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों से राइट लेग को पकड़ करके राइट घुटने को राइट कंधे के पीछे से होते हुए गर्दन के पीछे ले जाना है। इस आसन में ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा जो पैर है वो कंधे के पीछे अच्छी तरह से चला गया है कि नहीं। लेफ्ट लेग को सीधा रखना है, पैर के पंजे को डाउन करके रखेंगे। अब दोनों हाथों से नमस्ते की पोजीशन बनाएंगे। लंबी गहरी सांस के साथ सीने को पूरा खुलने देना है। इस आसन में धीरे धीरे लंबी सांस लेना है। अगर आप इस आसन को ध्यान से देखो तो हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है। तो इस आसन को करने से स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। स्पाइन पे दबाव पड़ने के कारण जो यहाँ का ब्लड फ्लो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, इम्प्रूव करता है। चेस्ट एरिया भी हमारा आप देखिए कंप्रेस्ड हो रहा है, जिससे कि जो हमने बताया कि लंबी गहरी सांस लेना है, इस आसन में चेस्ट एरिया कंप्रेस्ड होने की वजह से जो हमारे डायफ्राम की मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग भी होती है। शुरुआत में हम इस आसन को बहुत ध्यान से करेंगे, पैर खोलने वाले आसन करेंगे, ग्रोइन रीजन को खोलने वाले आसन करेंगे, उसके बाद ही इस आसन में हम जाने का अभ्यास करेंगे। अब दोनों हाथों से राइट लेग को पीछे से ऊपर उठाना है। बहुत आराम से इस आसन को निकालेंगे, पैर को धीरे से नीचे ले आएंगे। अब दूसरे पैर के लिए इस आसन में देखते हैं कैसे जाना है। अब लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों से लेफ्ट लेग को हम पीछे ले जाएंगे लेफ्ट कंधे के। बहुत आराम से धीरे धीरे पैर को खोलने का अभ्यास करेंगे। ये सुनिश्चित कर लेंगे कि पैर अच्छी तरह से फंस गया है कि नहीं।
राइट लेग को सीधा रखना है, टोज को आगे की तरफ पॉइंटेड करके रखना है। अब दोनों हाथों से नमस्ते की पोजीशन में आएंगे, लंबी गहरी सांस लेना है। जिन व्यक्तियों को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है या गर्दन में दर्द रहता है वो इस आसन को नहीं करेंगे। सबसे पहले वो गर्दन को आराम देने वाले आसन करेंगे, जब गर्दन की प्रॉब्लम से वो ठीक हो जाए उसके बाद ही वो इस आसन का अभ्यास करेंगे। अब धीरे से दोनों हाथों से वापस हम पैर को बाहर निकालेंगे, पैर को नीचे उतार के लाना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस के साथ शरीर को रिलैक्स होने देंगे। अब धीरे से करवट लेते हुए वापस सिद्धासन के लिए आकर के बैठ जाएंगे।